काफी क्वेश्चंस अमेंडमेंट्स आएंगे, काफी क्वेश्चन अमेंडमेंट्स आएंगे, तो हमको एक बार फटाफट से एक बार ये देख लेना है। होप आप लोगों ने एक मोटा मोटा अमेंडमेंट देख लिया होगा, लेकिन मैं एक बार आप लोगों को गो थ्रू करवा देता हूँ ताकि चीजें क्लियर हो, क्योंकि क्वेश्चंस इसी में से ही बनते हैं। बड़े क्वेश्चंस हो, छोटे क्वेश्चंस हो, एमसीक्यू हो, सब इसी में से ही बनते हैं, ठीक है ना। चलो तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा रिविजन भी इसी के साथ, क्योंकि अगर अमेंडमेंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स होंगे, एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे, मैं वो भी कवर कर लूंगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला अमेंडमेंट आईडीटी, द फर्स्ट अमेंडमेंट जीएसटी में, आपको ध्यान है जीएसटी में आपका एक सेक्शन 7 था, सीजीएसटी एक्ट 2017 का। सेक्शन 7 आपका क्या बताता था? सेक्शन 7 आपको बताता था सप्लाई, व्हाट इज सप्लाई, क्योंकि पूरा जीएसटी इसी पर ही डिपेंड है। जब तक सप्लाई नहीं होगा तब तक जीएसटी नहीं लगेगा। तो जो आपका सेक्शन 7 था, यहां पर आपकी एक अमेंडमेंट हुई है। सेक्शन 7 में मैंने आप लोगों को बता रखा है, 3 पॉइंट्स आप लोगों ने सेक्शन 7 में पढ़े थे, 3 पॉइंट्स स्कोप ऑफ सप्लाई में आपने पढ़े थे। द फर्स्ट पॉइंट आपका क्या था, ए पॉइंट क्या था, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, चाहे ट्रांसफर हो, एक्सचेंज हो, लीज हो, बार्टर हो, हायर परचेज हो, ठीक है, ये सब क्या थे, सप्लाई माने जाते थे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट था पॉइंट नंबर ए में, कि उसमें क्या होना चाहिए, कंसीडरेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंसीडरेशन होना चाहिए, और बिजनेस पर्पज से होना चाहिए। किस पर्पज से होना चाहिए? बिजनेस पर्पज से होना चाहिए। ये दो पॉइंट्स साइमल्टेनियसली अगर आप लोगों के फुलफिल हो रहे हैं, और अगर आप कोई चीज ट्रांसफर कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, आप लोगों का रेंट पे आप कोई चीज दे रहे हैं, तो उसे हम सप्लाई मान लेंगे, सप्लाई मान लेंगे। रिमेंबर दिस, सेक्शन 7 सिर्फ ये बताता है व्हाट इज सप्लाई। अगर सप्लाई हो गई तो फिर हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं कि सप्लाई के बाद जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है ना। अब इस ए पॉइंट में इन्होंने बच्चों एक पॉइंट और ऐड कर दिया है डबल ए करके, बाकी आपका बी भी एज इट इज है और सी भी एज इट इज है। बी पॉइंट क्या था, मैं जो अमेंडमेंट आई है वो डबल ए वाले पॉइंट में आई है, इस पर मैं डिस्कस करूंगा, पहले मैं बी और सी को कवर कर लेता हूं। बी पॉइंट आपका क्या था, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। बी पॉइंट क्या था, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, सर्विस को हम इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से हम सर्विसेज को ले रहे हैं, जो रिवर्स चार्ज था, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस। यहां इंपोर्ट ऑफ सर्विस में क्या इंपॉर्टेंट था बच्चों, कंसीडरेशन होना चाहिए। बी पॉइंट में क्या था, कंसीडरेशन होना चाहिए इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में, अगर आप सेक्शन 7 के बी पॉइंट में जाते हैं। हाँ, पर्पस चाहे बिजनेस हो या पर्सनल हो, पर्पस चाहे बिजनेस हो या पर्सनल हो, तब भी उसे हम क्या मान लेंगे, सप्लाई मान लेंगे। क्या मान लेंगे, सप्लाई। और सी पॉइंट क्या था बच्चों आपको, सी पॉइंट था आपका शेड्यूल वन, सी पॉइंट था शेड्यूल वन। और शेड्यूल वन आपका क्या कहता है, शेड्यूल वन कहता है कि विदाउट कंसिडरेशन भी अगर आप कोई चीज ट्रांसफर कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, तो हम उसे सप्लाई मान लेंगे, हम उसे सप्लाई मान लेंगे। और शेड्यूल वन में मैंने आप लोगों को 4 पॉइंट्स बताए थे, शेड्यूल वन में मैंने आप लोगों को कितने बताए थे, 4 पॉइंट्स बताए थे। ए पॉइंट क्या था, बिजनेस असेट वाला। बी पॉइंट क्या था आपका, बी पॉइंट क्या था, रिलेटेड पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन। सी पॉइंट क्या था आपका, प्रिंसिपल एंड एजेंट। एंड फोर्थ पॉइंट क्या था, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। प्लीज ध्यान रखना बच्चों, इंपोर्ट ऑफ सर्विस बी पॉइंट में भी है और इंपोर्ट ऑफ सर्विस शेड्यूल वन के फोर्थ पॉइंट में भी है, बट दोनों में फर्क है। जो शेड्यूल सेक्शन 7 के बी पॉइंट में इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, वह कंसीडरेशन होना चाहिए। अगर कंसीडरेशन नहीं है तो हम यहां फोर्थ पॉइंट में चले जाएंगे, कंसीडरेशन नहीं है तो हम फोर्थ पॉइंट में चले जाएंगे। लेकिन अगर कंसीडरेशन नहीं है और इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, और आपको अगर उसको सप्लाई बनानी है, तो फिर पर्पस बिजनेस वाला होना चाहिए। पर्पस कौन सा होना चाहिए, बिजनेस वाला होना चाहिए, यह आपको ध्यान में रखना है, यह आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है यहां तक। चलिए अब जो अमेंडमेंट आई है मैं उस पर डिस्कस करता हूं। शेड्यूल टू आपका क्या था, मैं लिंक करने वाला हूं बच्चों। शेड्यूल टू आपका क्या था, ध्यान है, शेड्यूल टू क्या था, व्हाट इज गुड्स एंड व्हाट इज सर्विस, व्हाट इज गुड्स एंड व्हाट इज सर्विस, ठीक है। क्या गुड्स हैं और क्या सर्विस हैं, यह भी मैंने आप लोगों को बताई थी। क्या था, क्या था यहां पर गुड्स के केस में, गुड्स के केस में मैंने आप लोगों को पॉइंट्स बताए थे, गर्लफ्रेंड को जी यानी गुड्स का टाइटल ट्रांसफर, एफ यानी गुड्स का टाइटल ट्रांसफर एट फ्यूचर डेट, गर्लफ्रेंड को बिजनेस असेट दो, स्टॉक दो, क्लब में घुमाओ। ये जो क्लब वाला पॉइंट था ना, जो क्लब वाला जो गुड्स में कवर हो रहा था, कि जो एसोसिएशंस होती हैं, क्लब्स होती हैं, वो अपने मेंबर्स को क्या दे रही थी, गुड्स की कैटेगरी में उनको हम कवर कर रहे थे शेड्यूल टू में। अब उन्हें हम सप्लाई में लेकर आ गए हैं, अब हम उन्हें कहां लेकर आ गए हैं, सप्लाई में लेकर आ गए हैं, या डबल ए में। तो देखो लिखा हुआ भी है, द एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन बाय ए पर्सन अदर देन इंडिविजुअल
टू इट्स मेंबर, या एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन है टू इट्स मेंबर और वाइस वर्सा फॉर कैश डेफर्ड पेमेंट और वैल्यूएबल कंसीडरेशन। ये अब डबल ए पॉइंट में आ गया है। दैट्स मीन अब ये शेड्यूल टू का पार्ट रहा ही नहीं। सर इसका क्या फर्क पड़ा, इसका क्या फर्क पड़ा? इसका फर्क ये पड़ा कि पहले ये सप्लाई मान ली जाती थी, फिर ट्रीट होती थी गुड्स है कि सर्विस है, फिर ट्रीट होती थी गुड्स एंड सर्विस है। तो अब क्या गुड्स है क्या सर्विस है उस बात को ही आगे ले गए और यहां पर ये लेकर आ गए कि इसको क्या मान लो, सप्लाई ही मान लो। फिर भी बात ये अराइज होती है कि अगर इसको सप्लाई मानते हैं, अगर इसको सप्लाई मानते हैं तो फिर इसको सप्लाई मानने के बाद क्या माने, गुड्स माने कि सर्विस माने, गुड्स माने कि सर्विस माने। तो बच्चों अब ये सर्विस की कैटेगरी में चला गया, अभी किस कैटेगरी में चला गया है, सर्विस की कैटेगरी। गुड्स को इन्होंने रिमूव कर दिया है, गुड्स को शेड्यूल टू में जो इन्होंने डाला हुआ था उसको अब डिलीट कर दिया है, डिलीट कर दिया है। अब इसको सर्विस की कैटेगरी में मानेंगे और पहले ये सप्लाई में जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है, एक शॉर्ट नोट भी बन सकता है। तो सेक्शन 7 की आपको अगर वो डेफिनेशन पूछे व्हाट इज सप्लाई, तो याद रहे उस सप्लाई में आपको एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन बाय ए पर्सन टू इट मेंबर और कॉन्स्टिट्यूशन, और ये पर्सन एसोसिएशन है तभी तो अदर देन इंडिविजुअल लिखा हुआ है, या एसोसिएशन है पर्सन, तो बाय एसोसिएशन आप लिख सकते हो, बाय एसोसिएशन टू इट्स मेंबर और वाइस वर्सा भी है, उल्टा भी है, ठीक है, क्लियर है। बट कंसिडरेशन होना चाहिए, वैल्यूएबल कंसिडरेशन, वैल्यूएबल कंसिडरेशन, इज इट क्लियर। नाउ द सेकेंड अमेंडमेंट, सेकेंड अमेंडमेंट इज इंपॉर्टेंट, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कम से कम नहीं तो 10-15 मार्क्स आपका यहां से दिखने वाला है, आप लोगों को यहां से दिखने वाला है, लेवी एंड कंपोजिशन में से, लेवी एंड कंपोजिशन में से, ठीक है। याद है बच्चों आप लोगों को सेक्शन 95 रिवर्स चार्ज का था, सेक्शन 95 रिवर्स चार्ज का था। तो इन्होंने क्या किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी चार सर्विसेज नोटिफाई की है, अगर वह इको के थ्रू देते हो, व्हाट इज इको, व्हाट इज इको, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, व्हाट इज इको, मैंने आप लोगों को बता रखा है इको क्या है। इको एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पर नंबर ऑफ बायर्स एंड नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, जहां नंबर ऑफ बायर्स एंड नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, तो इको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है कि सेलर्स आप अपने प्रोडक्ट की डिटेल, अपनी सर्विसेज की डिटेल डालें, एंड बायर्स आप उस प्लेटफॉर्म पे आए, आपको जो भी सर्विसेज चाहिए ले, जो भी आपको गुड्स चाहिए वो आप परचेज करें, इको उसको प्रोवाइड करा देता है, बायर को देकर आता है, जैसे कि अमेजोन, जैसे कि फ्लिपकार्ट, जैसे कि आपका ओला एंड उबर, जैसे कि आपका स्विगी एंड जोमेटो, ये सब क्या है, दीज आर इकोस, दीज आर इको, ठीक है। सो इफ सप्लाइड थ्रू इको, अगर आप इको के थ्रू दे रहे हो ये चार सर्विस, तो हु इज लायबल टू पे जीएसटी, इको विल लायबल टू पे जीएसटी, इको विल लायबल टू पे जीएसटी, पहले इको नहीं था, नाउ देयर इज अमेंडमेंट, इफ इको के थ्रू, यानी कि अब वो जो सेलर्स थे जो गवर्नमेंट को जीएसटी दे रहे थे, अब इको ही बायर से कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को जमा कराएगा, गवर्नमेंट को जमा कराएगा, सेलर अब यहां बच गए, जो छोटे छोटे से रेस्टोरेंट्स होते थे, छोटे छोटे, यहां सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट वाले जाते थे, ठीक है ना, और आपके ड्राइवर्स जितने भी होते थे, होटल्स, ठीक है, गेस्ट हाउसेस, क्लब्स, ये क्या है, ये सर्विसेज इको के थ्रू देते थे, गुड्स इको के थ्रू देते थे, और ये लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहते थे क्या करना है क्या करना है क्या करना है। नाउ देयर इज अ क्लैरिटी, इको विल लायबल टू पे जीएसटी, इको विल लायबल टू पे जीएसटी। नाउ व्हिच फोर सर्विसेज वी टॉकिंग अबाउट, द फर्स्ट सर्विस इज सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर, पहली सर्विस है ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर, मोटा मोटा कर लेते हैं, सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर, दूसरा है सर्विसेज ऑफ अकोमोडेशन इन होटल्स इन गेस्ट हाउसेस, ठीक है, तीसरा है सर्विसेज बाय वे ऑफ हाउसकीपिंग सर्विस लाइक प्लम्बरिंग एंड कारपेंटरिंग, ठीक है, एंड द फोर्थ वन इज रेस्टोरेंट सर्विस, एंड द फोर्थ वन इज रेस्टोरेंट सर्विस। दीस फोर सर्विसेज इफ प्रोवाइडेड थ्रू इको, इको विल लायबल पे जीएसटी एज पर सेक्शन 95 रिवर्स चार्ज, क्लियर है, क्लियर है। नाउ सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाई रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मोटरसाइकिल, ओमी बस और एनी अदर मोटर व्हीकल सप्लाइड थ्रू इको, यानी कि पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहा हूं, मेरे पास खुद की एक गाड़ी है, रेडियो टैक्सी है, मेरे पास मोटर कैब है, मेरे पास मोटरसाइकिल है, ठीक है, ये बात हो गई है अब आपकी ओला और उबर की, ओला और उबर के थ्रू जो ड्राइवर्स सर्विसेज दे रहे हैं, अब उन ड्राइवर्स का कोई लेना देना नहीं है जीएसटी से, इको विल पे जीएसटी, इको विल पे जीएसटी। इवन
इवन ये जो रेडियो टैक्सी वाले हैं, मोटर कैब वाले हैं, मोटरसाइकिल वाले हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरा बहुत बड़ा काम है, मेरा बहुत बड़ा काम है ट्रांसपोर्टेशन का, मेरे पास में 20 कार खड़ी हैं, कई मेरे पास बसेस हैं, मेरा बहुत मोटा काम है, तो होगा क्या, मैं हो सकता है जीएसटी में रजिस्टर्ड हो जाऊं, हो सकता है मैं क्या हो जाऊं, जीएसटी में रजिस्टर्ड हो जाऊं। देयर इज इररिलेवेंट whether I am registered in GST, whether I am not registered in GST, in both the situation, ECO will pay GST. ECO ही GST pay करेगा. ECO ही GST pay करेगा. Now, अब आती है hotels की बारी. जो hotels हैं, जैसे hotels में आपका क्या है, make my trip हो गया, ठीक है, make my trip के through आप hotel book करते हो, hotel book करते हो, hotel अपनी services दे रहा है, make my trip के through दे रहा है, हम लोग क्या हो गए, हम लोग buyers हो गए, services लेने वाले हो गए, तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहां हम क्या करेंगे, अब बात आती है कि होटल इन गेस्ट हाउस, क्या हम लोगों से जो हम होटल्स लेने जा रहे हैं उनसे जीएसटी कलेक्ट करेगा क्या, अगर मैं मेक माई ट्रिप के थ्रू आ रहा हूं, तो याद रहे अगर होटल्स ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, अगर होटल्स ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया कि भाई तू रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, अच्छा एक चीज और, होटल कब रजिस्ट्रेशन में आएंगे, उनकी क्या लिमिट होगी होटल्स वालों की, याद रहे ये बच्चों ये ध्यान रखना, रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में आपकी दो ही लिमिट चल रही है, 40 लाख एंड 20 लाख वाली, अभी मैं आऊंगा अभी क्योंकि थोड़ा सा अमेंडमेंट वहां पर भी आया है, 20 लाख लगेगी कि 40 लाख, क्योंकि मेरे से बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चंस पूछे हैं अभी इस दौरान, कब मैं 40 पे जाऊंगा, कब मैं 20 पे जाऊंगा, मोटा मोटा आप लोगों को पता है, अगर मैं प्योरली गुड्स में डील कर रहा हूं तो 40 है, प्योरली गुड्स में डील कर रहा हूं तो 40 है, अगर मैं प्योरली 100% सर्विस प्रोवाइडर हूं तो मैं 20 हूं, तो मैं 20 हूं, लेकिन अगर मैं मिक्स दे रहा हूं, गुड्स के साथ सर्विस दे रहा हूं या सर्विस के साथ गुड्स दे रहा हूं, तो रिमेंबर दिस, अगर गुड्स के साथ सर्विस दे रहा हूं तो मेरी 40 हो सकती है, अगर मैं गुड्स के साथ सर्विस दे रहा हूं तो मेरी क्या हो सकती है, 40 हो सकती है, लेकिन अगर मैं सर्विस के साथ गुड्स दे रहा हूं, सर्विस के साथ गुड्स दे रहा हूं, तो मेरी लिमिट 20 लाख होगी। तो सर कैसे पता चलेगा कि गुड्स के साथ सर्विस है या सर्विस के साथ गुड्स है, तो बच्चों इसके लिए आपको सेक्शन 8 अप्लाई करना पड़ेगा, इसके लिए आपको सेक्शन 8 अप्लाई करना पड़ेगा, याद आ गया होगा सेक्शन 8, याद आ गया होगा सेक्शन 8, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई वाला, तो कंपोजिट सप्लाई है, होती है ये गुड्स प्लस सर्विस एंड सर्विस प्लस गुड्स को कंपोजिट सप्लाई बोलते हैं, और कंपोजिट सप्लाई में हम देखते हैं प्रिंसिपल बिजनेस, प्रिंसिपल बिजनेस, मेरा काम क्या है, मेरा प्रिंसिपल बिजनेस क्या है, अगर मेरा प्रिंसिपल बिजनेस सर्विस देना है तो मैं 20 में जाऊंगा, अगर मेरा प्रिंसिपल बिजनेस गुड्स में डील करना है उसके साथ मैं सर्विस दे सकता हूं, गुड्स में डील करना है मेरा प्रिंसिपल बिजनेस तो मैं लिमिट 40 में जाऊंगा। एक चीज और, ये गुड्स के साथ जो सर्विस है, सर्विस अलाउ नहीं है कंपोजिशन स्कीम में, कंपोजिशन स्कीम को भी साथ में ले रहा हूं, तो अगर सर्विस साथ में दे रहा हूं तो वहां एक लिमिट थी, वहां एक लिमिट थी कि सर्विस भी आप एक लिमिट तक ही दे सकते हो, 10% ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ और 5 लाख विच एवर इज हायर, इसको अगर आप क्रॉस कर गए देन you are out from the composition scheme. So please ध्यान देना इन सब चीजों को, बहुत छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। GST में सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ ऐसा लगता है सब कुछ आ रहा है, लेकिन when we see the questions, हम लोग ये पता नहीं कर पाते हैं which provision we need to apply. So कोशिश करो GST, क्योंकि question पूरा ऐसे ही आता है कि जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, जीएसटी की वैल्यू क्या होगी, जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, जीएसटी की वैल्यू क्या होगी, तो जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा ये डिपेंड करता है सेक्शन 7 सप्लाई है कि नहीं है। अब सप्लाई है तो भैया मेरे को जीएसटी लेना है, जीएसटी लेना है तो मेरे को गुड्स वाली रेट लगानी है या मेरे को सर्विस वाली रेट लगानी है, उसके लिए मैं सेक्शन 8 पे जाऊंगा कि भाई कंपोजिट सप्लाई है कि मिक्स सप्लाई है, ठीक है। स्कीम अगर मैंने कंपोजिशन ले रखी है तो मैं सेक्शन 10 को रेफर करूंगा। सो प्लीज नीचे की 2 या 3 लाइन क्वेश्चन की आप पढ़ें और इसको समझने की कोशिश करें कि पूछा क्या गया है, इररिलेवेंट मत लिखा करें, मतलब नहीं है उन सब चीजों का, ठीक है ना। नाउ आई एम कम टू द आवर अमेंडमेंट। सो नाउ द प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन इन होटल्स इन गेस्ट हाउस क्लब्स, इनके लिए अगर उस होटल वाले ने अगर रजिस्ट्रेशन करवा लिया तूने अपना जीएसटी में, तो बेटा तू ही देगा, फिर तो तू ही देगा, सप्लायर विल पे जीएसटी। लेकिन अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, छोटे छोटे से रेस्टोरेंट्स हैं, छोटे छोटे से होटल्स हैं, ठीक है, गेस्ट हाउस है, अगर वो अनरजिस्टर्ड है लेकिन अपनी सर्विस इको के थ्रू दे रहे हैं, मेक माय ट्रिप के थ्रू दे रहे हैं, देन इको विल पे जीएसटी, देन इको विल पे जीएसटी। सो प्लीज ये याद कर लेना, बहुत काफी क्वेश्चंस आप लोगों को दिखने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है, ओके। सर्विसेज बाय वे ऑफ हाउसकीपिंग सच एज प्लम्बरिंग, कारपेट,
अब ये जो प्लम्बिंग का और इसका कारपेंटरिंग का काम कर रहे हैं, अगर ये आप इको के थ्रू कर रहे हैं, इको के थ्रू कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? वही सेम, अगर वो कारपेंटर और प्लम्बर जीएसटी में तू रजिस्टर्ड है तो फिर तू दे, अगर जीएसटी में तू रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर इको विल पे जीएसटी, इको विल पे जीएसटी। ठीक है, सो प्लीज याद रखना, पैसेंजर की सर्विस एक ऐसी सर्विस है, अगर मैं रजिस्टर्ड हूं या नहीं हूं, यानी कि वो जो ड्राइवर्स लोग हैं ना, उनको बिल्कुल हटा दिया इन लोगों ने, बाहर ही कर दिया, और जो बड़े लेवल पे कर रहे हैं उनको भी हटा दिया, हम तो इको को पकड़ेंगे, हम इको को पकड़ेंगे, इको विल लाइबल टू पे जीएसटी। नाउ रेस्टोरेंट सर्विस, मेरा जहां तक मानना है रेस्टोरेंट सर्विस में से एक क्वेश्चन आप लोगों का आएगा, तो रेस्टोरेंट सर्विस में भी क्या बता दिया? वो इसे होटल को, वो सॉरी पैसेंजर को और रेस्टोरेंट को, इन दोनों को इन्होंने इस तरह से ले लिया कि रजिस्टर्ड है या नहीं है, इको ही जीएसटी पे करेगा, इको ही जीएसटी पे करेगा। तो याद रहे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एंड रेस्टोरेंट सर्विसेज, ये दोनों ही भले ही रजिस्टर्ड हो या ना हो, क्या होगा? इको ही जीएसटी पे करेगा। अब क्या होता है, यहां पे इन्होंने एक चीज और डाल दी है, सेकंड पॉइंट, इसको बनने से पहले मैं एक बात बता देता हूं, कुछ ऐसे होटल्स होते हैं, अच्छे होटल्स होते हैं, फाइव स्टार्स होटल होते हैं, जिनका टैरिफ वैल्यू जो उन्होंने डिसाइड किया हुआ है, टैरिफ वैल्यू क्या होती है, जो उनके पंपलेट्स में प्रिंटेड होते हैं, तो अगर उनकी टैरिफ वैल्यू 7500 से ज्यादा है, 7500 पर डे, एक दिन का है ना, 7500 पर डे से ज्यादा है, पर रूम बोल लो आप, उससे ज्यादा है, तो अगर ऐसे होटल्स ने रेस्टोरेंट्स अपने बेसमेंट में रखा हुआ है या ग्राउंड फ्लोर पे, क्योंकि आप लोगों को बड़े बड़े, अगर आप फाइव स्टार होटल में गए हो तो आप लोगों को ग्राउंड फ्लोर पे उनका रेस्टोरेंट दिख जाता है, ऐसे रेस्टोरेंट वाले इको के थ्रू, पहली बात तो प्रैक्टिकलिटी इज इम्पॉसिबल, आज मैं मैरिट होटल में, किसी फाइव स्टार होटल में जोमेटो स्विगी वाले को घुसने नहीं दूंगा, बट इन केस अगर इफ यू अलाउ या इफ यू डूइंग बिजनेस थ्रू इको, और अगर आपका टैरिफ वैल्यू 7500 से ज्यादा है, तो सच रेस्टोरेंट इज लायबल टू पे जीएसटी, इको विल नॉट, क्योंकि ऐसा मानना है गवर्नमेंट का कि इतना बड़ा होटल है, इतने बड़ा होटल अपने वहां पे रेस्टोरेंट चला रहा है, तो फिर हम इको को क्यों परेशान करें, फिर तो उस होटल वाले से ही कलेक्ट कर लेंगे हम लोग। तो याद रहे, ऐसे होटल जिनकी टैरिफ वैल्यू 7500 रुपए पर यूनिट पर डे से ज्यादा है, रेस्टोरेंट विल पे जीएसटी, इको विल नॉट, इको नहीं लाइबल होगा इस केस में। इस केस में कौन लाइबल होगा? इस केस में होटल ही लाइबल होंगे। सो प्लीज फटाफट से क्रैक्स करते हैं, चार ऐसी सर्विसेज, इको विल लाइबल पे जीएसटी एज पर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5, ठीक है, रिवर्स चार्ज का सेक्शन है, चार ऐसी सर्विस, पहली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर में किसके थ्रू देंगे आप पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन सर्विस? बाय रेडियो, टैक्सी, मोटर कैब, मोटरसाइकिल, ओमी बस, ठीक है, आप रजिस्टर्ड हैं या नहीं है, इको विल लायबल पे जीएसटी। दूसरा क्या है, होटल्स वाले अगर तुम रजिस्ट्रेशन ले लेते हो तो फिर तुम दो, और तुम रजिस्ट्रेशन नहीं देते हो तो फिर इको से ले लेंगे। तीसरा, कारपेंटर्स और प्लम्बरिंग की सर्विसेज देने वाले, तुम अगर रजिस्ट्रेशन ले लेते हो तो तुम दो, नहीं देते हो तो हम इको से ले लेंगे। चौथा, रेस्टोरेंट वाले, रजिस्ट्रेशन हो या नहीं हो हम इको से ही लेंगे, लेकिन ऐसे होटल जिसमें होटल के अंदर है ये रेस्टोरेंट, प्लीज रिमेंबर दिस, होटल के अंदर है ये रेस्टोरेंट, ठीक है ना, ऐसे रेस्टोरेंट विच इज सिचुएटेड अंडर द सर्विलेंस ऑफ होटल, ठीक है, तो फिर अगर उनका टैरिफ वैल्यू 7500 पर डे से ज्यादा है तो फिर ऐसे रेस्टोरेंट ही लायबल होंगे जीएसटी के लिए, यहां पर इको अलाउ नहीं होगा, इको को हम नहीं पकड़ेंगे, गवर्नमेंट नहीं पकड़ेगी। तो ये अमेंडमेंट मेरे जहां से है अब तक के आपके पूरे इस अमेंडमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। तो दो अमेंडमेंट हम देख चुके हैं, पहली शेड्यूल 2 में वो डिलीट हो चुकी है क्लब वाली, अब उसको हम सेक्शन 7 के ए पॉइंट में डबल ए करके लेकर आ गए हैं, दूसरी आपके सामने है। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, थर्ड अमेंडमेंट, ओके, नाउ सेक्शन 10 कंपोजिशन स्कीम। सो नाउ कंपोजिशन स्कीम में आपको मैंने बता दिया था कि कंपोजिशन स्कीम के लिमिटेड, ठीक है, 1.5 करोड़ का आपका टर्नओवर होना चाहिए, एग्रीगेट टर्नओवर होना चाहिए, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में 75 लाख था, वहां पे कुछ लोगों को इन्होंने बाहर किया हुआ था,
कुछ लोगों को इन्होंने बाहर किया हुआ था। किन लोगों को बाहर किया हुआ था? जो मैन्युफैक्चरर हैं। टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है प्रीवियस ईयर में, तो अगर टर्नओवर के बेसिस पे जाए ना वो एलिजिबल, लेकिन स्पेसिफिकली ही इनको कंपोजिशन से बाहर कर दिया। अगर मैन्युफैक्चरर है किसका? मैन्युफैक्चरर है आइसक्रीम का, मैन्युफैक्चरर है एडिबल आइस का, पान मसाला, टोबेको, एरेटेड वाटर। इन लोगों को कंपोजिशन से बाहर किया हुआ है। नाउ इन्होंने एक चीज और कर दी है कि अगर आप मैन्युफैक्चरर है, प्लीज मैं बार बार वर्ड बोल रहा हूं मैन्युफैक्चरर, दैट्स मीन ये क्वेश्चन आ सकता है घूम के, दैट्स मीन अगर ट्रेडर है किसका? पान मसाले का, एरेटेड वाटर का, टोबेको का ट्रेडर है और उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ CR से नीचे है, इज एलिजिबल। मैन्युफैक्चरर इज आउट ऑफ कंपोजिशन स्कीम। सो इफ मैन्युफैक्चरर किसका? फ्लाई एश ब्रिक्स, ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल, हर्थ, टाइल्स एक्सेट्रा, इन एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। एमसीक्यू कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं बिल्डिंग ब्रिक्स के, फॉसिल के, अर्थ के, ये ऊपर जो आप लोगों के टाइल्स लगती हैं ग्राउंड्स पे, जो टाइल्स लगती हैं उसके अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते इरेस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर, भले ही आपका टर्नओवर 1.5 सीआर से नीचे हो। दिस इज योर अमेंडमेंट नंबर 3। ठीक है, मैं आपको अमेंडमेंट्स बता रहा हूं और एग्जाम से जस्ट पहले बता रहा हूं, इस वजह से ही बता रहा हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में ये रहे मेरी बातें। चलो अब आते हैं अमेंडमेंट नंबर 4 पे, रजिस्ट्रेशन। अभी मैंने बता दी थी 40 लाख की लिमिट है साहब, 40 लाख की लिमिट है। किसको लिमिट अवेलेबल है? किसको अवेलेबल है? जो गुड्स में डील करता है, एक्सक्लूसिवली गुड्स में डील करता है, या जिसका प्रिंसिपल बिजनेस तो गुड्स का है लेकिन साथ में सर्विस देता है, तो सर्विस एक लिमिट तक देता है, तो वहां पे आपकी 40 लाख की लिमिट है। लेकिन ये जो मैन्युफैक्चरर हैं फ्लैश ब्रिक्स, जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं, जिनको कंपोजिशन से बाहर कर दिया, उनकी लिमिट भी इन्होंने 40 लाख रख दी रजिस्ट्रेशन की। नहीं, लिमिट कितनी है? 40 लाख। एनहांस थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 40 लाख फॉर रजिस्ट्रेशन अवेलेबल टू पर्सन एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन द मेकिंग ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स विल नॉट बी अवेलेबल टू सप्लाई ऑफ लाइफ। दैट्स मीन 40 लाख रख दी या 40 लाख से बाहर कर दी? 40 लाख से बाहर कर दी। ठीक है, ढंग से पढ़ना, इसको रेड भी किया हुआ है, विल नॉट बी अवेलेबल। तो याद रहे मैन्युफैक्चरर, दो चीजें याद रखना, फ्लाई एश ब्रेक्स और ये फॉसिल वाले, इनको कंपोजिशन से बाहर भी कर दिया और इनकी लिमिट 20 लाख नहीं दी रजिस्ट्रेशन की, 40 लाख नहीं दी, 20 लाख दी। 40 लाख नहीं दी इनकी रजिस्ट्रेशन की लिमिट, कितनी दी है? 20 लाख दी। तो ये आपको याद रखना। ठीक है, नाउ अमेंडमेंट नंबर 5, डिजिटल सिग्नेचर नाउ नॉट मैंडेटरी फॉर कंपनीज, एमसीक्यू में आ सकता है। पहले कंपनीज की जीएसटी रिटर्न्स फाइल होती थी या कंपनीज के जितने भी कंप्लाइंसेज होते थे वो डिजिटल सिग्नेचर से होते थे, डीएससीएम जिसे बोलते हैं, तो अब वो उनको इन्होंने हटा दिया है। अब ईवीसी के थ्रू भी आप सबमिट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड बोलते हैं। ठीक है, तो जिनको थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज है, जिन्होंने जीएसटी की रिटर्न्स भरी है, वहाँ दो ऑप्शन आते हैं, सबमिट विथ ईवीसी एंड सबमिट विथ डीएससी। तो कंपनीज के केस में ईवीसी नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, ठीक है, डीएससी के थ्रू ही होता था। नाउ अमेंडमेंट, अब कंपनीज वाले भी ईवीसी इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के थ्रू अपनी रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं, उनका डिजिटल सिग्नेचर अब मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट अमेंडमेंट, ये अच्छी अमेंडमेंट है, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022, इस पे अपन डिस्कस भी करते हैं। इट इज नाउ मैंडेटरी फॉर द रजिस्ट्रेशन पर्सन टू अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन। इसका तो मैंने आप लोगों को क्लास में कई बार रीजन भी बताया है व्हाई आधार ऑथेंटिकेशन इज मस्ट नाउ, बिकॉज लोग फॉल्स तरीके से, गलत तरीके से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले लेते थे, ऐसे व्यक्ति का जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले लेते थे जो अवेयर ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं, बस पैन कार्ड आधार कार्ड कहीं से लोगों को पता चल गया उनका और उससे उनको उन्होंने रजिस्ट्रेशन ले लिया। तो अब इन्होंने क्या कर दिया है, गवर्नमेंट ने आधार ऑथेंटिकेशन को मस्ट कर दिया है। भले ही आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, किसी का पैन आधार अगर आप ले भी लेंगे और खुद का मोबाइल ईमेल आईडी डाल के अगर आप प्रोसीड भी करेंगे तो बिना आधार ऑथेंटिकेशन के वो सबमिट नहीं होगी। एंड व्हाट इज आधार ऑथेंटिकेशन? जो आधार कार्ड जो आप अटैच करेंगे, उस आधार कार्ड पे जो अटैच्ड मोबाइल नंबर होगा उसी पर ही ओटीपी जाएगा, उसी ओटीपी से आपको क्या करनी होगी, सबमिट करनी होगी। तो ये एक अच्छा अमेंडमेंट है, काफी यहां पर
अब रजिस्ट्रेशन कम हो गए हैं, गलत रजिस्ट्रेशन अब नहीं लेते हैं लोग, ठीक है ना। सो आधार फॉर द फॉलोइंग पर्पस, एक तो मैंने आपको बताई दिया फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन, ऑफ रजिस्ट्रेशन तो था ही, इसके अलावा इन्होंने और एड कर दिया है ऑथेंटिकेशन। होता क्या था, हम लोग भी प्रैक्टिस में क्या करते हैं, हम लोग भी यही करते हैं कि मैंने किसी का रजिस्ट्रेशन था या किसी कारण से हो सकता है उसका हमने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, अब वो जो असेसी है वो अवेयर ही नहीं है कैंसिलेशन में, तो कैंसिलेशन में भी इन्होंने अब आधार ऑथेंटिकेशन डाल दिया। तो रजिस्ट्रेशन में ही नहीं, अब आपको कैंसिलेशन में भी आधार ऑथेंटिकेशन की नीड है, आधार ऑथेंटिकेशन की नीड है। अगर आप रिफंड फाइल करते हैं, याद रहे रिफंड सिर्फ दो ही केसेस में मिलता है, एक एक्सपोर्ट, दूसरा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। एक्सपोर्ट कब होगा कि मैं इंडिया से माल परचेज कर रहा हूं, जीएसटी पे कर रहा हूं, लेकिन मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, एक्सपोर्ट के केस में आप जीएसटी आप नहीं लगाते हैं इनवॉइसेस के ऊपर, आप सामने वाले से जीएसटी कलेक्ट नहीं करते हैं। अगर आपने एलयूटी फाइल किया हुआ है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग अगर आपने वो फाइल किया हुआ है, तो एक्सपोर्ट में आपका जीएसटी नहीं लगता है। लेकिन दिक्कत क्या हो गई, अब मेरी आउटपुट लाइबिलिटी हमेशा होती नहीं है लेकिन मेरी इनपुट लाइबिलिटी हमेशा क्रिएट रहती है, तो अब उस इनपुट का कहां करूं, आउटपुट लाइबिलिटी तो मेरी नहीं है, कहां एडजस्ट करूं। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, रिफंड कर दिया। लेकिन रिफंड के केस में भी यू नीड फॉर आधार ऑथेंटिकेशन। एंड तीसरा, रिफंड ऑन आईजीएसटी पेड, आईजीएसटी ही पे होता है गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, ये सेम वही गुड्स एक्सपोर्ट वाला केस हो गया, और एक आपका रिफंड वाला केस हो गया, ठीक है। रिफंड अंडर बॉन्ड, और ये भी रिफंड ही है एक तरीके से, ठीक है। तो रिफंड का केस हो गया, एक आपका कैंसिलेशन का केस हो गया, और एक आधार ऑथेंटिकेशन रजिस्ट्रेशन पे मस्ट है ही। नाउ इन्होंने एक चीज और बताई थी, प्रोवाइडेड दैट इफ आधार नंबर हैज नॉट बीन असाइन्ड टू द पर्सन, हो सकता है उसने अभी आधार के लिए अप्लाई ही नहीं किया, उसका आधार नंबर ही नहीं हो, तो फिर क्या होगा, फिर आप एक काम करें, आधार के लिए अप्लाई कर दे। अप्लाई करने पर आपके एक एनरोलमेंट आईडी सिर्फ क्रिएट होगा, आप उससे भी ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, या कोई बैंक पासबुक, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ ना कुछ आपको अटैच करना पड़ेगा। और ये एमसीक्यू में आ सकता है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट सच पर्सन शैल अंडरगो द ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ आधार नंबर। भाई क्या होगा, ये आपका आपने आधार के लिए सिर्फ अप्लाई किया था, उसके बेसिस पे आप ऑथेंटिकेशन तो कर दोगे, लेकिन आपको एक बार ऑथेंटिकेशन और करना होगा 30 दिन के अंदर जब आपका आधार नंबर आ जाएगा, और ये अब मैंडेटरी हो गया, रिवोकेशन बिना ऑथेंटिकेशन के नहीं हो सकता। नाउ द नेक्स्ट अमेंडमेंट आईटीसी की अमेंडमेंट है, ये बहुत अच्छी अमेंडमेंट आई है। आप लोगों को जीएसटी रिटर्न में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि आप इनपुट तभी ले सकते हो, इनपुट, अब मैं इस पे नहीं जाऊंगा कि इनपुट क्या होता है, आप अपना इनपुट जो परचेज के ऊपर टैक्स देकर आते हो वो अपनी आउटपुट लाइबिलिटी में से आप तब ही एडजस्ट कर सकते हो जब वो इनपुट आपके GSTR 2B में रिफ्लेक्ट करे। बच्चों एक चीज का और ध्यान रखना, हो सकता है क्योंकि अब पोर्टल पे GSTR 2A और GSTR 2B दोनों आता है, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं 2A क्या है, 2B क्या है, तो प्लीज रिमेंबर दिस, 2A से हम इनपुट नहीं लेते, हम 2B से इनपुट लेते हैं। 2A क्या है, 2A जस्ट कोई GSTR1 फाइल करता है ना, तो सेम डे जैसे ही फाइल करेगा मेरे 2A में रिफ्लेक्ट कर जाएगा, फिर 2A से वो कन्वर्ट होकर 2B में जाता है, तो 2B में जितना रिफ्लेक्टेड है वही ITC में ले सकता हूं, अपनी आउटपुट लाइबिलिटी में से एडजस्ट कर सकता हूं। अब होता क्या था, मेरी 2B में इनपुट आता ही नहीं था, मैं पे तो करके आता था लेकिन 2B में मेरा इनपुट नहीं आता था। क्यों नहीं आता था, कि सामने वाला अपना GSTR1 फाइल नहीं करता, क्योंकि उसके GSTR1 फाइल करने के बाद ही मेरे 2B में रिफ्लेक्ट करता था। तो पहले गवर्नमेंट क्या बोलती थी, कि ठीक है 5% जितना 2B में रिफ्लेक्ट कर रहा है उसका 5% आप ले लो जो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। इसका अपन ने क्वेश्चन भी किया था, बट अब ये डिलीट हो चुका है, अब गवर्नमेंट ने साफ बोल दिया कि जितना 2B में रिफ्लेक्ट है वही इनपुट तेरे को मिलेगा, और जितना 2B में रिफ्लेक्ट नहीं है तेरे को नहीं मिलेगा। होता क्या था कि मैं मान लो 10 करोड़ का GST पे करके आता था लेकिन मेरे 2B में 6 करोड़ दिखा रहा था और 4 करोड़ रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था। अब ये 4 करोड़ रिफ्लेक्ट क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि सामने वाले ने अपनी GSTR1 फाइल नहीं की। अब दिक्कत ये है, मेरे लिए पेनिंग क्या है, गवर्नमेंट बोलती है कि भाई 6 करोड़ तो आप ले लो, 2B में आ रहा है,
लेकिन 4 करोड़ भी तो देके आया हूं, 2B में तो आ ही नहीं रहा है। तो पहले क्या होता था, 6 करोड़ का 5% मैं ले लेता था एक्स्ट्रा इस 4 करोड़ के पेटे, कि 4 करोड़ तो पूरा नहीं देंगे लेकिन जितना तेरे 2B में रिफ्लेक्ट है उसका 5% तेरे को दे देंगे, उतना तेरे को दे देंगे। लेकिन अब इसको भी डिलीट कर दिया, अब 4 करोड़ पूरा ही नहीं ले सकते, 5% वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया। नाउ व्हाट इज रिफ्लेक्टेड इन 2B टेकन, इफ नॉट रिफ्लेक्टेड आईटीसी विल नॉट बी अवेलेबल, आईटीसी देंगे ही नहीं, ठीक है। सो नाउ आफ्टर अमेंडमेंट आईटीसी कैन नाउ बी टेकन ओनली फॉर दोज इनवॉइसेस हुज डिटेल्स आर रिफ्लेक्टेड इन जीएसटीआर 2B, 5% वाला अब इन्होंने डिलीट कर दिया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके नाउ टैक्स इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। क्रेडिट नोट डेबिट नोट तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था, सेल्स रिटर्न क्रेडिट नोट एंड परचेज रिटर्न वो, लेकिन ये ध्यान रहे क्रेडिट नोट डेबिट नोट आपको ऐसे नहीं पूछेगा सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न, इंपॉर्टेंट था वो आपका जो मैंने बताया था कि आपकी वैल्यू आपने लिखनी क्या थी, लिख क्या दी, या रेट आपको क्या लगानी थी क्या लगा दी, अगर आपको उसमें चेंजेस करने हैं तो आपका क्रेडिट नोट, ताकि वैल्यू ज्यादा लगा दी या रेट ज्यादा लगा दी तो क्रेडिट नोट बना दो, कम लगा दी तो डेबिट नोट बना दो, ठीक है। ये आपको क्रेडिट नोट डेबिट नोट में, लेकिन अमेंडमेंट क्या आई है मैं वो आपको बता देता हूं। अमेंडमेंट आई है इनवॉइसिंग, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग। अब जो इनवॉइस होगी वो आपको पोर्टल से ही बनानी होगी, लेकिन किन लोगों को बनानी होगी, किन लोगों को बनानी होगी, उन लोगों को बनानी होगी जिसका टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा है, जिनका टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा है, एमसीक्यू आ सकता है, जिनका टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन इनवॉइसिंग एप्लीकेबल ही नहीं है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटीज के लिए। ये अमेंडमेंट आई है कि इनवॉइसिंग आर नॉट एप्लीकेबल टू अ गवर्नमेंट कंपनी एंड अ लोकल अथॉरिटी, ठीक है। सो ऑल रजिस्टर्ड बिजनेस विद एन एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल अगर 2017-18 के जस्ट बाद से कभी भी 20 करोड़ से ज्यादा कभी भी था, यहां पे 20 करोड़ से ज्यादा है, उन्हें ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो जाएगी, आज भी है, ठीक है। लेकिन ये एप्लीकेबल नहीं है किसके लिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड लोकल अथॉरिटी के लिए, ठीक है। और किसके इसके लिए नहीं है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, इंश्योरेंस और बैंकिंग कंपनीज, ये आप याद कर लेना बच्चों, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी GTA जो होती है, सप्लायर ऑफ पैसेंजर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, इन्हें इनवॉइसिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, अब टिकट पे कैसे इनवॉइसिंग करेगा कोई ट्रांसपोर्टेशन वाला, ठीक है ना। डायनामिक आर कोड जो इनवॉइस है उस पे एक जो पेमेंट का कोड होता है वो आप पेस्टेड होना चाहिए, वो आप पेस्टेड होना चाहिए, लेकिन वो एप्लीकेबल कहाँ है पढ़ते हैं क्या है इसका, In cases where an invoice is issued to a recipient located outside India, बाहर के लिए कहा है इन्होंने, located outside India for supply of service, for which the place of supply in India, आपने determine किया POS, वो India निकल के आया, as per the provision of IGST Act, and the payment is received by the supplier in convertible forex, यानी कि foreign currency में, या converted, या उसको आपने Indian, उसने ही Indian rupees में convert करके दिया, where permitted by the RBI. Such invoice may be issued without having a dynamic QR code. यानी कि ऐसे person जो अपनी services outside India दे रहे हैं, payment आ रही है, उनको जो मैं invoice दे रहा हूँ, वो without QR code दे सकता हूँ. Without QR code मैं दे सकता हूँ. और अभी QR code जो dynamic R code है, वो applicable भी नहीं है. ठीक है ना? लेकिन इन्होंने specifically इन लोगों के लिए कहा है amendment. ये रिटर्न्स हैं, रिटर्न्स में तो आप लोगों को पता ही है GSTR, देखो रिटर्न्स में तो आपको बस इतना सा ध्यान में रखना है GSTR 1 से लेके GSTR 10, कौन सी रिटर्न कब कौन पर्सन फाइल करता है और उसकी ड्यू डेट्स क्या है, और उसकी ड्यू डेट्स क्या है वो मैंने लिखवाई हुई है, ऐसा जिसमें कुछ आया नहीं है, वही बातें इन्होंने कही है। एक अमेंडमेंट एग्जेम्पशन में भी ध्यान रखना, नेचर ऑफ सर्विस एग्जेम्प्ट है, सप्लायर रिसिपिएंट, सप्लायर कौन है, बाय एनी पर्सन रिसिपिएंट कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज, ठीक है ना। इट मस्ट बी ए प्योर सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, इट मस्ट बी ए प्योर सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, लेकिन टैक्सेबल हो जाएगी अगर कंपोजिट सप्लाई है, अगर कंपोजिट सप्लाई है उसमें गुड्स जो है वो 25% तक है,
ठीक है ना, इसको मैं आपको समझा देता हूं। क्या है कि अगर किसी भी पर्सन ने गवर्नमेंट को प्योर सर्विस दी, ध्यान है ना। अच्छा, गवर्नमेंट की कौन कौन सी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, ये भी मैंने आपको बताया था ना, पत्ता। गवर्नमेंट की कौन कौन सी सर्विसेज एग्जेम्प्ट थी? गवर्नमेंट की सारी सर्विसेज एग्जेम्प्ट थी पत्ता को छोड़कर। पत्ता टैक्सेबल था, पत्ता टैक्सेबल था। पी फॉर पोस्ट ऑफिस, ए फॉर एयरक्राफ्ट, टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ए यानी एनी अदर सर्विस, याद है ना। और पोस्ट ऑफिस में भी जो सेल था वो टैक्सेबल था। तो गवर्नमेंट की सारी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है सिवाय पत्ता को छोड़कर। तो उसी एनी अदर सर्विसेज में ही आता है प्योर सर्विस। ये जो प्योर सर्विस है, ये प्योर सर्विस टैक्सेबल है। लेकिन गवर्नमेंट ने ये कहा कि प्योर सर्विस एग्जेम्प्ट हो जाएगी अगर उस प्योर सर्विस में गुड्स का पार्ट 25% है। गुड्स का पार्ट 25% है, ठीक है। आपके हो सकता है इंटर लेवल पे इतना नहीं आए, बट फिर भी अगर आ जाए तो थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। बाकी अमेंडमेंट्स आपके काम की नहीं है। चलो, तो ये आपकी एक मोटी मोटी अमेंडमेंट्स मैंने आप लोगों को करवा दी हैं, ठीक है। एक बार मैं क्विक रिवीजन और करवा दूंगा आप लोगों को वन डे बिफोर एग्जाम, ठीक है। वो एक क्विक रिवीजन और है। एक बार मैंने मोटा मोटा तो आप लोगों को ये अमेंडमेंट्स बता दी है। ये आपकी जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। एक रजिस्ट्रेशन वाली, मैन्युफैक्चरर ऑफ ब्रिक्स वाली, एक इनकी लिमिट 20 लाख हो गई है। डीएससी जरूरी नहीं है, किसके लिए? कंपनीज के लिए, ठीक है। आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी है, ये सारा सब कुछ, ठीक है। चलो, तो बाकी का अपन क्विक रिवीजन और है वो अपन और देख लेंगे फिर। चलो ठीक है बच्चों, बाय बाय।